अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको मज़ेदार मटन कढ़ाई बनाने सिखाएंगे, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। ये रेस्टोरेंट्स में ऐसी ही बनती है, बहुत मज़ेदार है, इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ईद की ये स्पेशल डिश है। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लेकर उसको अच्छे तरीके से 15 मिनट के लिए पानी में रखे साफ़ कर लिया था। 2 large cutted onions, 2 tablespoon गार्लिक जिंजर पेस्ट ले लिया मैंने यहाँ पर, 2 large cutted tomatoes, 3 to 4 cutted large green chili जिसके इस अंदाज से काट लिया, और गार्निशिंग के लिए धनिया ले लिया, 1 full cup yogurt। मसालों में हमें चाहिए हल्दी 1 tablespoon, ब्लैक पेपर 1/2 tablespoon, पिसा हुआ जीरा 1 tablespoon, गरम मसाला 1/2 tablespoon, 1 अदद दालचीनी, छोटी इलायची 3 से 4। यहाँ पर मैं 1 कड़ी पत्ता लूँगी, 1 दालचीनी, 3 से 4 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, यहाँ से 3 से 4 लाल मिर्च को मैंने कूट लिया है, और इसके साथ हमें रेड चिली पाउडर चाहिए 1/2 tablespoon या हस्बे जायका। सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची को गर्म ऑयल के अंदर 2 to 3 minutes इनको फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 tablespoon गार्लिक जिंजर पेस्ट इसके अंदर ऐड करके 2 to 3 minutes दोबारा से फ्राई कर लूँगी। अब 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद 1/2 cup मैंने पानी ऐड किया है, और अब इसके अंदर 1 kg मटन ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई कर लूँगी, और साथ में ही 1 tablespoon इसके अंदर साल्ट ऐड किया है। साथ ही मैं इसके अंदर चॉप्ड ऑनियन ऐड करके इसको दोबारा से फ्राई करूंगी। इसके अंदर चॉप्ड टोमेटोज ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी, और साथ ही इसके अंदर 1 tablespoon हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से हिला लूंगी। अब इसके अंदर मैं 1/2 tablespoon रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर अब मैं 1 tablespoon जीरा ऐड करूँगी जिसे हल्का सा मैंने कूट लिया था। इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड होंगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 cup yogurt ऐड करके इसको दोबारा से फ्राई कर लूँगी। याद रहे कि गोश्त को डायरेक्टली हमने घी के अंदर फ्राई नहीं किया था, उसके अंदर पानी ऐड करके हमने गोश्त अंदर डाला था। डायरेक्टली घी के अंदर गोश्त ऐड करने से वो बहुत हार्ड हो जाता है, इस वजह से हमने पानी ऐड किया था। अब इसके अंदर 1 glass पानी ऐड करके 15 minutes के लिए प्रेशर को हिला लेंगे। 15 minutes हिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारे मसाला जात इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें सबसे लास्ट में मैं गर्म मसाला 1/2 tablespoon ऐड करूँगी, और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमारी मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार है, हमने इसकी गार्निशिंग कर ली और इसको डिश आउट कर लिया है। आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट करें। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।